अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग क्विक रेसिपी विद हिना सैयद। आज की मेरी चिकन कुरमा से रिलेटेड एक और रेसिपी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो मैंने रेड किया और देन मैंने इसको निकाल दिया। रेड करने के बाद उससे ऑयल में मैंने फिर चिकन ली 750 ग्राम और मैंने उसको फ्राई करने के लिए रख दी। और जो मैंने प्याज रेड करके निकाली थी उससे मैंने लहसुन अदरक टमाटर एंड हरी मिर्च वगैरह के साथ जो है वो उसका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने जो फ्राई हो गई थी चिकन उसको बाहर निकाल दिया और उसी ऑयल के अंदर मैंने जो पेस्ट बनाया है उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाली, कोरमा मसाला डाला और मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया। देन जब ये अच्छे तरीके से भुन गया और इसका ऑयल जो है वो बाहर आ गया तो मैंने इसके अंदर जो है चिकन शामिल कर लिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने बिल्कुल ज़रा सा पानी इसके अंदर डाला और थोड़ा सा पानी और ताकि उसमें वो अच्छे तरीके से पक जाए और फिर मैंने इसको ढक दिया। और जी ये हमारी फटाफट वाली जो है कोरमे की रेसिपी फटाफट तैयार हो चुकी है। मैक्सिमम इस रेसिपी ने 5 से 10 मिनट ली होंगी और ये रेसिपी। और दूसरी रेसिपी आज की मेरी जो है वो एक डेजर्ट है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। ये कुक भी नहीं होता और ये इतनी जल्दी इंस्टेंटली जो है वो रेडी हो जाता है। इस डेजर्ट के लिए मैंने सबसे पहले लिया कंडेंस मिल्क जो कि मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है। सबसे पहले मैंने वो लिया 1 टिन और देन मैंने इसमें 2 हैवी क्रीम के पैक जो अवॉइड किए, 400 ग्राम तकरीबन थे दोनों मिलाकर। उसमें मैंने कोई भी एक जूस पाउडर आप ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में लेना है अपने जूस, लिक्विड नहीं लेना। आप एप्पल बनाना पाइनएप्पल कुछ भी ले सकते हैं। देन मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया। इसको इतना बीट करना है कि ये क्रीम है बीट अपनी डबल क्वांटिटी में तकरीबन हो जाए, बहुत हैवी और थिक हो जाए ये। और मैं आपको दिखाऊंगी कितना थिक कि जब मैं इसको उठाऊंगी तो ये नीचे वापस जाने में टाइम लेगा। ये देखिए दिस इज़ द पॉइंट जो मुझे चाहिए था, बिल्कुल ये वाली थिकनेस चाहिए थी। और अब मैं क्या लूँगी, मैं जी चॉकलेट लूँगी, डार्क चॉकलेट। आप बार चॉकलेट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप उसे मेल्ट करना है आपने। मेल्ट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह के फॉर्म में है। ये 150 ग्राम जो थी ये चॉकलेट थी। देन मैंने क्या किया, इस चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने क्रीम का एक पैक डाला, हैवी क्रीम का ये, और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। ठीक हो गया, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मैं ये जहन में रहे कि मैंने क्रीम को थोड़ा ठंडा कर लिया है, मेल्ट ज़रूर किया लेकिन ठंडा किया है, मैंने इसे गर्म गर्म में नहीं डाला। देन अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करने के बाद मैं सर्विंग जिसमें करनी है मैंने, तो मैंने उसी में जो है इसको डायरेक्टली जो है वो सर्विंग के लिए मैंने डाल दिया है। सो मैंने सबसे पहले जो है जो चॉकलेट में क्रीम डाल के दे रखी थी, सबसे पहली तह मैंने उसकी लगाई। देन मैंने जो दूसरा मैंने कंडेंस मिल्क और जो क्रीम का मैंने मिक्सर बनाया हुआ था मैंने एक तह उसकी लगाई। एंड देन दोबारा से मैं चॉकलेट की लगा के दोबारा इसी की एक तह लगाऊंगी और ये मेरा बहुत इंस्टेंट तैयार होने वाला डेजर्ट, बहुत ही यम्मी। आप सोच नहीं सकते ये कितना यमी है, मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है। ये देखिए कि मैंने चॉकलेट की तह लगाई, इसके ऊपर मैं एक तह और लगाऊंगी। और ना मैंने कुछ कुक किया और ना मुझे टाइम लगा, टोटल 5 मिनट इस डेजर्ट ने मेरे लिए। और ये डेजर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की मेरी क्विक जल्दी जल्दी बनने वाली दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी। कोई अगर आपके घर में गेस्ट आता है तो आप इंस्टेंट बना सकते हैं फौरी। इसको रेफ्रिजरेटर कर लीजिए जब तक कि अपनी जो है फॉर्म में नहीं आ सकता, अपनी शक्ल में सही नहीं आ जाता, ये जम नहीं जाता। देन ये देखें ये अपनी शेप में आ चुका है, अब इसको आप सर्विंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। नेक्स्ट व्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।